नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में जानेंगे कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और ये कैसे काम करती है। साथ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे और अंत में इस टेक्निक की एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले जानते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में कि आखिर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या होती है। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स का ही पार्ट है, यानी कि इस टेक्निक में भी मटेरियल को तोड़ा फोड़ा या डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। मटेरियल को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए मटेरियल के सरफेस और मटेरियल के अंदर के डिफेक्ट्स का पता लगाया जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में। दूसरी बात, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। अब ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होती है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहा जाता है। और ये साउंड वेव्स ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल नहीं होती, यानी कि हम इसे नहीं सुन सकते। इस साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासोनिक। और जो इन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स के लिए वो जनरली 0.5 से 10 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल सरफेस और इंटरनल डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जा सकता है। सरफेस डिफेक्ट्स जैसे कि क्रैक्स, सीम्स एटसेट्रा, और इंटरनल डिफेक्ट्स जैसे कि वॉइड्स, इंक्लूजन सेट्स। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स के ऊपर किया जा सकता है, जैसे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी अधिक होती है। पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी अधिक होने के कारण इसका इस्तेमाल थिक सेक्शंस को इंस्पेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन फ्लॉ डिटेक्शन के लिए, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाएगा डिफेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा भी अल्ट्रासोनिक वेव्स की बहुत सी एप्लीकेशंस है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है सोनार में। सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में, जहां पर समुद्र में पानी की गहराई को नापने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई समुद्र के पानी में ऑब्जेक्ट, अवशेष, मलबा वगैरह है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल में लाई जाती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रेगनेंसी में होने वाला अल्ट्रासाउंड, जहां पर अनबॉर्न बेबी की डिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि अनबॉर्न बेबी में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स पर आधारित है। चलिए अब जानते हैं कि ये वेव्स प्रोपेगेट और रिफ्लेक्ट कैसे होती है। इसके लिए हमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में उपयोग होने वाले इक्विपमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। पहला इंस्ट्रूमेंट है पल्सर। पल्सर का मुख्य कार्य हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स को जनरेट करना होता है, और ये पल्सर एक केबल के थ्रू कनेक्ट होता है ट्रांसड्यूसर से। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स जो जनरेट हुई है वो केबल के माध्यम से पहुंचाई जाती है ट्रांसड्यूसर के पास, और इन्हीं इलेक्ट्रिक पल्स से आगे प्रोड्यूस होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर को सर्च यूनिट या प्रोब भी कहते हैं, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोब होता है। अब ट्रांसड्यूसर के यहाँ पर दो मुख्य कार्य है। पहला कार्य, ये जो इलेक्ट्रिक पल्स पल्सर के द्वारा ट्रांसड्यूसर तक भेजी होती है ये इन्हें कन्वर्ट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स में। हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और जो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स बनी अब ये इन्हें ट्रांसमिट करेगा जो टेस्ट स्पेसिमन हमने टेस्ट करना होता है। तो जो कंपोनेंट हमने टेस्ट करना होता है उसका बॉटम सरफेस या कंपोनेंट में कोई क्रैक होगा तो वो दोनों एक्ट करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर, और अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं ट्रांसड्यूसर के पास, जहां पर ट्रांसड्यूसर अपना दूसरा मुख्य कार्य करता है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को फिर से कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और इलेक्ट्रिक सिग्नल को वापस भेजता है एम्पलीफायर रिसीवर के पास। कई बार अल्ट्रासोनिक वेव्स कंपोनेंट के अंदर नहीं जा पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसड्यूसर और कंपोनेंट के बीच एयर गैप होता है, तो इस एयर गैप को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है कपलेंट का। कपलेंट ऑयल, ग्रीस, वाटर, केरोसिन ऑयल कुछ भी हो सकता है, और इसका मुख्य कार्य एयर गैप को रिमूव करना और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना होता है ताकि इक्विपमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके और हमें जो स्क्रीन पर वेव है वो अच्छी मिल सके। इसके अलावा अगला इंस्ट्रूमेंट होता है रिसीवर, या जिसे हम एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। रिसीवर या एम्पलीफायर का मुख्य कार्य जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसड्यूसर के द्वारा भेजे गए होते हैं उन्हें एम्पलीफाई करना होता है, और ये एम्पलीफाइड रेडियो फ्रिक्वेंसी एज एन आउटपुट अवेलेबल होती है डिस्प्ले पे। अगला जो डिवाइस है उसे कहा जाता है डिस्प्ले या ऑसिलोस्कोप। तो ये एक आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है
जिस पर हमें पूरे टेस्ट का रिजल्ट दिखाई देता है। और ये जो रिजल्ट है ये इधर वीडियो मोड में भी हो सकता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी मोड में भी हो सकता है। रिजल्ट हमें पल्सेस की फॉर्म में दिखाई देता है और इन्हीं पल्सेस से हमें डिफेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाता है। डिस्प्ले के ऊपर जो पल्सेस हमें दिखाई देती है और जो ग्राफ बनता है उसमें वर्टिकल एक्सिस पर इंटेंसिटी होती है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम होता है। तो ये इंटेंसिटी वर्सेस टाइम एक ग्राफ बनता है। अब ये पल्सेस डिफेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे जनरेट होती है चलिए इसे देखते हैं। इसके लिए हम तीन केस लेते हैं और इन तीन अलग अलग केसेस से हम पल्सेस की फॉर्मेशन देखेंगे कि पल्सेस कैसे बनती है। पहले केस में जो कंपोनेंट हमने टेस्ट करना है यदि उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है और उसे प्लेस किया जाता है ट्रांसड्यूसर के नीचे, ट्रांसड्यूसर पहला एक इनिशियल पल्स भेजेगा जिसे कि ट्रांसमिशन पल्स भी कहा जाएगा। अब ये इनिशियल पल्स कुछ देर तक कांस्टेंट रहेगी जब तक ये सरफेस से नहीं टकराती, उस टाइम पीरियड तक ये कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे ही सरफेस से टकराएगी एक और इको जनरेट होगी जिसे कि कहा जाएगा बैकवॉल इको। तो हमें डिस्प्ले के ऊपर दो पल्सेस देखने के लिए मिलेगी। पहली पल्स को कहा जाएगा इनिशियल पल्स या ट्रांसमिशन पल्स जो कि ट्रांसड्यूसर के द्वारा भेजी गई, और दूसरी पल्स होगी बैकवॉल इको या बैकवॉल पल्स जो कि टकराने के बाद वापस आई। देखिए दूसरे केस में जो कंपोनेंट हमने टेस्ट करना होता है मान लीजिए उसमें कोई क्रैक है। अब इस कंपोनेंट को प्लेस किया जाता है ट्रांसड्यूसर के नीचे। जैसे ही ट्रांसड्यूसर के नीचे इस कंपोनेंट को प्लेस किया जाता है वैसे ही ट्रांसड्यूसर एक इनिशियल पल्स यानी कि ट्रांसमिशन पल्स भेजता है कंपोनेंट के अंदर। अब ये पल्स कुछ देर तक कांस्टेंट रहती है लेकिन जैसे ही कोई क्रैक आएगा वैसे ही ये पल्स रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे कहा जाएगा क्रैक इको या फिर डिफेक्ट इको। एक और इको जनरेट होगी जो कि बॉटम सरफेस से टकराने के बाद जनरेट होगी जिसे कहा जाएगा बैक वॉल इको। लेकिन जो क्रैक वाली इको होगी यानी कि डिफेक्ट इको होगी वो जल्दी वापस आ जाएगी एज कंपैरिजन टू दी बैक वॉल इको। इसीलिए क्रैक वाली जो इको होगी वो डिस्प्ले पे हमें पहला देखने के लिए मिलेगी और जो बैक वॉल इको होगी वो थोड़ी देर में देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये थोड़ी देर में वापस आएगी। चलिए एक और केस लेते हैं और इस केस में जो क्रैक की पोजीशन होगी वो बिल्कुल ट्रांसड्यूसर के नीचे होगी। तो इस केस में भी एक तो इनिशियल पल्स होगी जो कि ट्रांसड्यूसर के द्वारा भेजी जाएगी लेकिन इस केस में कोई भी बैक वॉल इको नहीं होगी क्योंकि कोई भी पल्स कोई भी वेव बॉटम सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस केस में सारी पल्सेस क्रैक से टकराने के बाद ही जनरेट होगी जिसे कि डिफेक्ट इको कहा जाएगा और डिस्प्ले पे हमें कुछ इस तरह की इको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर हमने तीन अलग अलग केसेस लेकर ये देखा कि इकोस की फॉर्मेशन डिफेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे होती है। तीन अलग अलग केसेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इको हमने देखी लेकिन डिस्प्ले पे हमें डिफेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता भी लग जाता है कि ये अपर या बॉटम सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें डिस्प्ले पे देखने के लिए मिलती है। चलिए अब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग टेक्निक्स को देख लेते हैं कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को कैसे किन दो तरीकों से परफॉर्म किया जाता है। अब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग टेक्निक्स दो तरीकों से परफॉर्म की जाती है। पहला है पल्स इको मेथड और दूसरा है ट्रांसमिशन मेथड। पल्स इको मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर केवल सिंगल एक ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है और वो एक सिंगल ट्रांसड्यूसर एक ट्रांसमीटर की तरह भी कार्य करता है और एक रिसीवर की तरह भी कार्य करता है। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट भी करेगा और बाद में उन्हें रिसीव भी करेगा। बाकी सारे कंपोनेंट सेम रहते हैं दोनों मेथड में। अब ट्रांसमिशन मेथड में क्या होगा, ट्रांसमिशन मेथड में एक ही जगह दो ट्रांसड्यूसर यूज किए जाते हैं। पहला ट्रांसड्यूसर होता है ट्रांसमीटर ट्रांसड्यूसर जिसका मुख्य कार्य वेव्स को ट्रांसमिट करना होता है जो भी कंपोनेंट हमने टेस्ट करना है। दूसरा होता है रिसीवर ट्रांसड्यूसर। तो रिसीवर ट्रांसड्यूसर वेव्स को रिसीव करता है जो कि ट्रांसमीटर के द्वारा भेजी गई होती है और ये बिल्कुल उस कंपोनेंट के पीछे लगा होता है जो कि कंपोनेंट हमने टेस्ट करना होता है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी की। डिफरेंट कंपोनेंट के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है और सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है रफनेस ऑफ सरफेस के ऊपर, ग्रेन साइज के ऊपर और डायमेंशंस ऑफ द फ्लो के ऊपर। इसके लिए हमें कुछ कॉमन पैरामीटर्स का पता होना चाहिए जैसे कि सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा। ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक ही फ्रीक्वेंसी का उपयोग अलग अलग कंपोनेंट को चेक करने के लिए नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। चलिए अब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। इस टेक्निक का उपयोग बोथ सरफेस और सब सरफेस डिफेक्ट्स के लिए किया जा सकता है। छोटे सरफेस डिफेक्ट्स भी इस टेक्निक के माध्यम से आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी अधिक होती है। पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी अधिक होने के कारण लार्ज साइज ऑफ स्पेसिमन भी इस टेक्निक के माध्यम से इंस्पेक्ट किया जा सकता है। इस टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें पार्ट प्रिपरेशन बिल्कुल ही कम करनी पड़ती है, पार्ट प्रिपरेशन की जनरली आवश्यकता नहीं पड़ती है और इंस्पेक्शन जनरली हम एक साइड ऑफ सरफेस से कर सकते हैं। अलग अलग सरफेसेस से इस टेस्टिंग को परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि एक ही साइड से टेस्टिंग को परफॉर्म करने पर हमें जनरली इफेक्ट की इंडिकेशन मिल जाती है। ये टेस्टिंग ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपैरिजन टू अदर मेथड। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें रेडियोग्राफी टेस्टिंग से तो
ये अच्छे रिजल्ट देती है एज कंपेरिजन टू एनी अदर मेथड्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स ज्यादा हानिकारक नहीं होती, जैसे कि हमने डिस्कस किया रेडियो वेव्स हानिकारक होती है, लेकिन जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादा डेंजरस नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज किया जाता है जिससे कि रिजल्ट ज्यादा जल्दी हमें मिलता है। चलिए अब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए जो कॉम्पोनेंट होता है उसका सरफेस स्मूथ होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को इंस्पेक्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है और ये जो टेक्निक है ये कोरस ग्रेन्ड सरफेस के लिए इतनी सूटेबल नहीं होती जितनी की फाइन ग्रेन सरफेस के लिए होती है, क्योंकि कोरस ग्रेन सरफेस होने की वजह से यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो स्कैटर्ड हो सकती है और जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेस ज्यादा होंगे। जब अल्ट्रासोनिक वेव को भेजा जाता है जो कंपोनेंट हमने टेस्ट करना होता है, तो कई बार इस अल्ट्रासोनिक बीम के जो पैरेलल में डिफेक्ट आते हैं, जो छोटे छोटे डिफेक्ट होते हैं, वो अनडिटेक्टेड भी चले जा सकते हैं। अगला डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हमें एक कपलिंग की आवश्यकता पड़ती है। कपलिंग मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है एयर गैप को रिमूव करने के लिए, जो कि होता है ट्रांसड्यूसर और कंपोनेंट के बीच, ताकि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो आसानी से स्पेसिमन के अंदर चली जा सके। इस टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए अब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की कुछ एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का उपयोग फेरस तथा नॉन फेरस मटेरियल दोनों को इंस्पेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि पाइप्स, रॉड्स एंड बार्स एटसेट्रा। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का उपयोग क्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि जो पेट्रोलियम और गैस सप्लाई लाइंस होती है उनमें क्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग उपयोग में लाई जाती है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का उपयोग ज्यादातर वेल्डिंग से बने हुए कंपोनेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रेशर वेसल्स, पाइप्स, स्ट्रक्चर, ब्रिजेस और एयरक्राफ्ट मेरीन एटसेट्रा। फैटीग डिटेक्शन के लिए भी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे कि कास्टिंग, फोर्जिंग और रोल स्टील सेक्शन से बने हुए प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग उपयोग में लाई जाती है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का उपयोग स्ट्रक्चरल और बॉन्ड इंटीग्रिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।